पिछले काफी समय से फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर कई सारी बातें कही जा रही थी कि अक्षय कुमार को फिल्म हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। तो दूसरी तरफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर का यह कहना था कि अक्षय कुमार फिल्म हेरा फेरी 3 के लिए काफी ज्यादा मोटी फीस चार्ज कर रहे थे, और दूसरी तरफ तो यह भी कहा जा रहा था कि जो मार्केट है वो अक्षय कुमार के ऊपर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा तो कार्तिक आर्यन को ले लो क्योंकि वो कम पैसों में काम करने को तैयार है। दूसरी तरफ ऑडियंस भी कार्तिक आर्यन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, मार्केट कार्तिक आर्यन पर पैसे देने को तैयार है। अब ये सब बातें तो पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आया है। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला को अगर फिल्म हेरा फेरी रीमेक करनी होगी तो उनको सबसे पहले 35 करोड़ रुपए चुकानी होगी, नहीं तो वो फिल्म हेरा फेरी 3 के एज भी नहीं लिख पाएंगे। और बात सिर्फ फिल्म हेरा फेरी 3 की नहीं बल्कि आवारा पागल दीवाना जो फिल्म आने वाली है वो भी नहीं बना पाएंगे, और वेलकम बैक 3 का भी कुछ नहीं हो सकता। जहां पर हाल ही में वेलकम बैक 3 के बारे में बातचीत हुई, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि फिरोज नाडियाडवाला का इरोस के साथ पार्टनरशिप है, इसलिए फिरोज नाडियाडवाला इनसे जुड़ी हुई फिल्मों का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर फिरोज नाडियाडवाला ये फिल्में अकेले बनाने के बारे में सोच रहे तो सबसे पहले उनको इरोस के साथ मामला सेटल करना पड़ेगा, इरोस को पैसे देकर इन फिल्मों से आउट करना पड़ेगा, और ये पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 35 करोड़ रुपए है। और अगर फिरोज नाडियाडवाला ये पैसे चुका देते हैं वो तभी वो हेरा फेरी 3, वेलकम बैक 3 और आवारा पागल दीवाना जैसे फिल्मों को बना पाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो फिल्में हैं ये फ्रेंचाइजी फिल्मों में आते हैं, नहीं तो फिरोज नाडियाडवाला अकेले इन फिल्मों को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे।